अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ओपन द बुक ऑफ SST, चैप्टर नंबर 4, मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, द मुस्लिम वर्ल्ड. इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. द फर्स्ट रिसोर्सेज एंड द मेन एंड द प्रीशियस रिसोर्सेज ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इज oil and natural gas. The Muslim world is not very fertile for agriculture because of lack of water or poor soil. It is by far the most important region of the world for producing oil and natural gas. Muslim world क्योंकि 60% desert area पे है और वहाँ पे agriculture उतना ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ें जो minerals produce होते हैं वो है ऑयल, नेचुरल गैस. 50% ऑफ नेचुरल गैस का जो है वो हम दुनिया को मुस्लिम वर्ल्ड से मिलती है. सो और ऑयल में ऑब्वियसली मुस्लिम वर्ल्ड सबसे ज़्यादा आगे है. सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कतर, बहरीन, ये सारे वो कंट्रीज़ हैं जहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी में ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल हमें प्रोड्यूस करते हैं. इराक हैज़ ह्यूज रिजर्वर्स ऑफ ऑयल, थर्ड इन ऑर्डर आफ्टर सऊदी अरेबिया. ईरान इज़ सेकेंड, बट टूडे फॉर पोलिटिकल रीज़न इराक बैन फ्राम एक्सपोर्टिंग मोर देन स्मॉल अमाउंट. इराक में बहुत ज़्यादा ऑयल है लेकिन क्योंकि उसको बैन किया गया है तो इसलिए अब वो उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता. ओके जी, बहरीन, कतर, अबू धाबी, यूएई लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल. अबू धाबी 9% जो है वो ऑयल प्रोड्यूस करता है और 5% जो है वो नेचुरल गैस प्रोड्यूस करता है. पाकिस्तान जो है वो एक वन ईयर में 22.6 बिलियन बैरल कर्ड ऑयल जो है वो प्रोड्यूस करता है, लेकिन इतना ऑयल सऊदी अरेबिया में सिर्फ 2 दिन में ही प्रोड्यूस होता है. इन सब पे आप इम्पोर्टेंट लिख दें. USA इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल. USA जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है ऑयल प्रोडक्शन में, लेकिन उसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है इसलिए उसे बाहर से ऑयल की और ज़रूरत होती है. ईरान भी कंज्यूम करने में 15 नंबर पे आता है इन द वर्ल्ड. ईरान भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम यानी यूज़ बहुत ज़्यादा ऑयल का करते हैं. जब हम ऑयल को निकालते हैं तो वो एक ब्लैक स्लज की तरह होता है, यानी ब्लैक कलर का कीचड़ होता है. पेज नंबर 19 पे देखिए. यहाँ ऊपर पेज नंबर 19, तो वो ब्लैक स्लज की तरह होता है. तो ऑयल को रिफाइन कर दिया जाता है पेट्रोल फॉर्म में, लेकिन वो जो स्लज है उस स्लज से बहुत से केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और फिर उनसे ये सारी चीज़ें बनती हैं. ऑयल एंड नेचुरल गैस आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन द प्रेजेंट टाइम. अब द थर्ड थिंग जो बहुत ज़्यादा अहम है और वो भी हम एज एन एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं, कोल. द ओनली इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द मुस्लिम वर्ल्ड इज़ काजिकस्तान. काजिकस्तान जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड में सिर्फ वो वाहिद कंट्री है जो बहुत अच्छी क्वालिटी का कोल प्रोड्यूस करता है और वो 10th highest और लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करता है और वो दुनिया में 10th number पर आता है हाइस्ट कोल प्रोडक्शन में. हाई क्वालिटी का कोल पाकिस्तान के डेजर्टी एरिया थर में भी है, बट लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मतलब उसको प्रोडक्शन के लिए हमें बहुत ज़्यादा वर्कआउट अभी करना है. और उसके अलावा क्योंकि ऑयल, नेचुरल गैस और कोल ये एनर्जी सोर्सेज हैं हमारे, और आपको पता है कि प्रेजेंट डे में इन चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उनके साथ साथ और मिनरल्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो मुस्लिम वर्ल्ड प्रोड्यूस करते हैं. इनके अलावा वो भी कैश मिनरल्स अगर हम कहें तो वो है. पे नंबर 21 पे मुस्लिम वर्ल्ड की प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं और वो दुनिया में किस नंबर पे आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू 2008 and 9. राइट इम्पॉर्टेंट विद दैट पेज. नाउ टर्न द पेज 22. अब हम कॉपर, लिड, जिंक, निकल, गोल्ड एंड सिल्वर, ये वो मिनरल्स हैं
जिनकी एक इम्पोर्टेंस है, जिनके बहुत से यूजेज हैं। कॉपर इज़ यूज्ड तांबा जिसे कहते हैं कटलरी में तो वो यूज़ होता है, लेकिन उसके अलावा केबल्स वायर्स में भी यूज़ होता है। और बहुत से मेनी कंट्रीज यूजेस मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड अदर मेटल्स फॉर देयर कॉइन्स, और वो अपने मिक्सचर यूज़ करते थे कॉइन्स बनाने के लिए दूसरे मेटल के साथ। अच्छा, ये मोहनजो दाड़ो के टाइम यानी 2500 ईयर अगो, इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मेटल्स एवर टू बी डिस्कवर्ड बाई अर्ली पीपल हु मिक्स्ड इट विद टिन। कॉपर और टिन को मिक्स करके एक नया मेटल बनता है, बनाया गया था टू मेक अ मच हार्डर मेटल कॉल्ड ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स वर डिस्कवर्ड एट मोहनजो दाड़ो डेटिंग फ्रॉम अबाउट 2500 BC, राइट। मतलब मोहनजोदड़ो में जब डिस्कवर किया गया वो सारे कीमदीमा ने, तो वहाँ पे एक मेटल डिस्कवर हुआ जिसको कॉपर के साथ टिन को मिक्स करके बनाया गया ताकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। लेड, लेड पे जो लेड है ये जो सिक, हाँ, इस ये मटेरियल है, ये सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं होता बल्कि कार बैटरीज में यूज़ होता है, एक्सरे इक्विपमेंट्स में यूज़ होता है ताकि डॉक्टर और नर्सेज जो एक्सरे मशीन से रेज आती हैं उनसे वो सेव रह सके, उनमें यूज़ होता है। और ये भी मुस्लिम कंट्री जो है वो 6% सप्लाई करता है लेड। जिंक जो है, जिंक दिस इज़ कॉरगेटेड आयरन शीट यूज इन मेकिंग रूफ टॉप, ये जिंक से ही होता है। जिंक मेटल विच इज़ यूज प्लेट वेरी थिनली शीट्स ऑफ कॉरगेटेड आयरन और स्टील विच आर ऑफन यूज एज चीप फॉर रूफिंग। मतलब ये आप आयरन, जिंक को जब आयरन और स्टील के साथ मिक्स करके एक नया मटेरियल बनाया जाता है और ये इस तरह उससे शेड बनाया जाता है, तो जिंक बहुत यूज़ होता है। काजकस्तान रैंक 9th इन द वर्ल्ड फॉर जिंक। निकल, निकल से ज़्यादातर कॉइन्स बनते हैं, बाईसाइकल्स के वो हैंडल्स बार बनते हैं। और इंडोनेशिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ निकल है इन द वर्ल्ड। गोल्ड, गोल्ड का जो है वो बहुत, आपको पता है, ज्वेलरी है, डेंटल वर्क में यूज़ होता है। अंडरलाइन ऑल द लाइंस विच मार्च आई विद पेंसिल और हाइलाइटर, यू मस्ट मार्केट, ओके। और भी बहुत सी चीज़ें कंप्यूटर में यूज़ होते हैं, सेटेलाइट में यूज़ होते हैं। इंडोनेशिया जो है वो 7th और उज़्बेकिस्तान 9th है टॉप 10 प्रोड्यूसर्स में। और सिल्वर, सिल्वर जो है वो भी एज यूजल ज्वेलरी में यूज़ होता है। फिर उसके पास सिल्वर वेयर, वो चांदी के वर्क को कहते हैं। फिर डिशेज, कप्स, ट्रेस में यूज़ होता है, लेकिन उसके अलावा कंप्यूटर में यूज़ होता है। गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, ये फोटोग्राफ फिल्म्स में यूज़ होता है, कैमरास में यूज़ होता है। और काजकस्तान रैंक 9th अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर। सो दीज आर द मेन मिनरल्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। ये टॉपिक अबाउट द मुस्लिम वर्ल्ड था, और ये मेन टॉपिक्स कौन से जो कंट्री है वो कितना प्रोड्यूस करता है।